नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं गिज़्मोहोलिक में। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो एक ऐसे लैपटॉप की है जो कि अल्ट्रा बुक ग्रेड का लैपटॉप है। तो मैं जो आपको जो बताने वाला हूं वो है एसर एस्पायर A31556। ये जो है i3 i5 दोनों वेरिएंट में आता है। तो जस मॉडल की हम लोग बात करने वाले हैं वो i3 का 10 जनरेशन का प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप है। मार्केट में मल्टीपल लैपटॉप्स हैं अवेलेबल हैं जिनको आप बाय करना चाहते हो, लेकिन यार कौन सा बेस्ट ऑप्शन से क्या कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए सही रहेगी, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस लैपटॉप के बेंचमार्क स्कोर दिखाऊंगा और बाकी इसमें ये गेम्स चल सकते हैं, इनकी क्या है परफॉर्मेंस इन लैपटॉप में मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक देखिए अगर आपको जानना है ये सब कुछ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आप गिज़्मोहोलिक पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहूं। तो क्या ये लैपटॉप में आप गेम खेल सकते हो, सारे काम वो कर सकते हो जो कि आप बाकी लैपटॉप में कर सकते हो? तो चलिए देखते हैं। ये लैपटॉप जो है इंटेल कोर i3 1005G1 डुअल कोर है। इसमें जो इसकी बेस स्पीड है दैट इज 1200 मेगाहर्ट्ज और इसकी जो बूस्ट स्पीड है जो कि 3400 मेगाहर्ट्ज और इसकी जो कोर है इसमें 2 कोर दिया है और 4 थ्रेड। साथ में इसमें आपको 4 MB कैशे मिलती है। तो ये जो प्रोसेसर है ये 10 नैनोमीटर बेस्ड है और इसकी जो पावर कंजम्पशन है दैट इज 15 वॉट जो कि काफ़ी कम है। अल्ट्राबुक्स में काफ़ी कम कंजम्पशन लेता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें जो ग्राफिक्स है दैट इज UHD ग्राफिक्स G1 जो कि इंटेल की आइस लेक की G1 Gen 11 सीरीज की है और इस मतलब ये नॉर्मल है, कुछ बहुत हैवी नहीं है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो आपको ज़्यादा इस पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। बाकी इसमें जो रैम दिया दैट इज़ 4GB DDR4 RAM जिसको आप अपग्रेड करके 12GB तक इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें जो स्टोरेज है दैट इज़ 1TB हार्ड डिस्क जो कि 5400 RPM की है और इसमें जो डिस्प्ले है दैट इज़ 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले और इसमें स्टीरियो स्पीकर दिया है। साथ में आपको वाईफाई AC और ब्लूटूथ 4.2 भी मिलता है। तो चलिए इसके पोर्ट की बात करते हैं। इसमें आपको 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 HDMI पोर्ट, ऑडियो कॉम्बो पोर्ट मिलते हैं और साथ में एक ईथरनेट मिलता है। इसमें जो बैटरी दी है दैट इज 36 वॉट लिथियम पॉलीमर बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी है। साथ में इसमें आपको वेबकैम मिलता है जो कि VGA ग्रेड का, जिसकी रिजोल्यूशन 614x480 मेगापिक्सल जो कि बहुत कम है। इस लैपटॉप का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि काफ़ी लाइट है। इसका जो वेट है दैट इज 1.9 kg जो कि बहुत ही कम है। तो चलिए इस प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर देखते हैं ये प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करता है। तो पहले चलिए सिनीबेंच R20 करते हैं जिसमें सिंगल स्कोर है 371 और मल्टी कोर 925। डिसेंट है, डुअल कोर प्रोसेसर है तो इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम लोग सिनीबेंच R15 करते हैं जिसमें सिंगल कोर 157 और मल्टी कोर में 405 मिलता है जो कि ठीक ठाक है, बहुत इतना मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है। जो लास्ट हमारा बेंचमार्क है दैट इज़ Geekbench 5.1 जो कि Geekbench का रिसेंट है। इसमें जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिली है दैट इज 1161 और मल्टी कोर की जो परफॉर्मेंस है दैट इज 2434। तो डिसेंट बेंचमार्क देखा जाए तो बहुत मतलब मैं कहता हूँ बहुत एंटाइसिंग नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आप मतलब इन्जॉय कर सकते हो। इसमें परफॉर्मेंस की कोई इतनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप बाकी टास्क डे टू डे टास्क सारे टास्क इसमें आराम से कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी, कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें गेम कैसे आप खेलते हो, क्या परफॉर्मेंस आती है, इसमें GTA जैसे गेम्स कैसे चलते हैं। आप डेफिनेटली वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि क्या आप इसमें GTA जैसे गेम्स खेल सकते हो, तो चलिए ये देखते हैं। तो इसमें जो ग्राफिक्स दिया है दैट इज़ UHD, तो बहुत हाई एंड ग्राफिक्स तो नहीं दिया है लेकिन आप डेफिनेटली इसमें गेम्स खेल सकते हो। इसमें GTA 5 अगर आप चलाते हो तो आपको लो सेटिंग में जो कि रिजोल्यूशन 720p की रहेगी और उसमें आपको डिटेल भी काफ़ी लो करनी पड़ेगी, देन यू कैन गेट अराउंड 39 FPS जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट गेम जो हमारा इसमें बायोशॉक इन्फिनिटी है, काफ़ी पुराना गेम है, 2013 में आया था। इसकी जो हम थोड़ी सी रिजोल्यूशन ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें आपको हाई सेटिंग में 1400p की रिजोल्यूशन में डिटेल सेटिंग मीडियम जिसमें कि आपको FPS अराउंड 34-35 FPS तक मिलता है, मतलब फ्लक्चुएशन रहेगी, ये कांस्टेंट फिगर आपको नहीं मिलेंगे, मे बी इससे थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है क्योंकि भाई ये प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है सिस्टम की। नेक्स्ट जो हमारा गेम है दैट इज़ विचर 3 काफ़ी हाई इंटेंसिव गेम है, काफ़ी डिमांडिंग है, तो इस गेम को हम लोग बहुत हाई सेटिंग में नहीं चला सकते हैं। ये गेम हम लोग की लो सेटिंग में 720p में रन कर रहे हैं और इसमें डिटेल सेटिंग भी काफ़ी लो रखे हैं, तो ये 30-28 FPS तक चल रहा है जो कि ठीक ठाक है, नॉट बैड। तो जैसे कि देख सकते हैं कि आप इसमें डेफिनेटली गेम खेल सकते हैं, इतना बहुत ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स नहीं खेल सकते। ये लैपटॉप बेसिकली गेमिंग के लिए नहीं बना है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ थोड़े बहुत अगर आप साइड में गेम खेलना चाहो तो डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये थी इसकी बेंचमार्क स्कोर और गेमिंग परफॉर्मेंस। बहुत ये एक अल्ट्राबुक ग्रेड के जो लैपटॉप होते हैं इनकी जो मेन बेनिफिट होती है ना, ये काफ़ी लाइट होती है, जैसे कि ये 1.9 kg का है तो काफ़ी लाइट है, कैरी करना काफ़ी इजी रहेगा, आपको इधर उधर बहुत मेहनत नहीं लगेगी इसको ट्रैवल करने में। ट्रैवलिंग लैपटॉप्स हैं ये, बाकी गेमिंग लैपटॉप काफ़ी बल्की होते हैं।
और ये इंटेल के नए 10 जनरेशन बेस्ड प्रोसेसर पे बेस्ड है, तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ ये भी है। ओवरऑल ठीक ठाक लैपटॉप है, फॉर द प्राइस जो आपको मिल रहा है इतना बुरा नहीं है। ये लैपटॉप आपको अराउंड 32,000 to 33,000, 35,000 के अराउंड मिल जाएगा, डिपेंड ऑन। और अभी अमेजोन की सेल भी शुरू होने वाली है, तो डेफिनेटली आप उसका वेट करो, उससे पहले मत बाय करना, सेल में बाय करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो भी बेस्ट लिंक होगी, जो भी प्राइजिंग सबसे बेस्ट ऑफरिंग मिल रही होगी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी डील है तो डेफिनेटली बाय भी कर सकते हो उस लिंक को यूज़ करके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर गिज़्मोहोलिक पर नए हो आप तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली प्रेस मत करना भूलना, क्योंकि इससे आप जो भी गिज़्मोहोलिक में नए कंटेंट आते हैं आप उसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले टेक वीडियो के साथ, धन्यवाद।